मैं आप देख रहे हैं इस वक्त मैं वादी नूर के दूसरे घर में आई हूँ। ये बहन यहाँ पर रहती है, इनके ससुर साथ में है, उनके शौहर है, इनके चार छोटे बच्चे हैं। ये लोग भी बारिश के से घर से भाग गए थे, घर का पूरा सामान का भी तितर बितर हो चुका है। ये बहन बोली देखो पूरा घर का सामान, यहाँ तक के पानी था, हम लोगों का मान लो पूरा पानी पूरा सामान चले गया, हम लोगों का पूरा भाई के चले गया। मेरा छोटे छोटे बच्चों को ले लेके मैं बाहर निकली जान बचा के, 10 मिनट में पूरा पानी भर गया। इधर आइए आप, अंदर आइए, देखो पूरा सामान मेरा पूरा चले गया। मालूम पहनने के कपड़े नहीं है हम लोगों का, एक जोड़े से निकल गए हम लोग बाहर, कोई मदद के वास्ते इधर आया नहीं हम लोगों का, घर छोड़ के भाग गए सब हम लोग, कोई मदद करने वाला नहीं है हम लोगों का। पूरा नल्ले तक पानी आ गया था, एक 5 मिनट में पूरा पानी भर के पूरा 17 लग गया हमारा सामान, कुछ बाकी नहीं रहा हमारे पास, कोई मदद करने वाले नहीं है साहब, कोई आके तक नहीं पूछ रहा हमारे को क्या करना साहब, बोलिए आप लोग बताइए। दूसरा देखिए मैं इसके बाजू का आपको घर बताती हूँ, और एक घर में आप देखिए इस वक्त इन लोगों के पास पहनने के लिए ना कपड़ा है, ना बिछाने के लिए कोई बेडशीट है, ना ओढ़ने के लिए कोई ब्लैंकेट है, ना बेडशीट है। ये दुकान भी अपने तबाह हो गए, भरोसे रहने ये देखिए आप, ये सामान इन लोग घर से आप देख सकते हैं, पूरा वीरान पड़ा हुआ इनका घर, पूरा सामान। ये बाजू घर में मैं दूसरे घर में आई हूँ, ये और एक बहन है, ये बहन है जो इस घर में रहती है। शौहर का इंतकाल हो गया सिर्फ 4 महीने, वह बेचारी की बेवा है, छोटे बच्चे वाली है। 4 महीने पहले शौहर का सदमा था, अब ये तो ऐसा सदमा है इनके दिल पे बिचारों के, कि बेचारी को खाने के लिए वो नहीं है, ऐसे पैसे को मोहताज है बेचारी, बहुत तकलीफ है। देखिए ऐसे लोगों को हमारे तो छोटे बच्चे, मैं तो बच्चों के ऊपर जीना हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है मेरे को, और आप लोगों से जो भी मदद हो सके करो मेरे बच्चों के लिए। बस एक बेटी है मेरे को, 4 बच्चे छोटे है मेरे को, मैं आके 1 महीना 1.5 महीना हुआ, पूरा नुकसान होगा मेरा, पूरा घर डूबा मेरा। मेरी जान बचाने के लिए मैं सब राशन पानी सब छोड़ के आई मैं, नहीं तो नहीं मेरे को राशन पानी बोल के छोड़ के आई, मेरे बच्चों की जान बचा ली बस मैं, और कुछ भी नहीं होना मेरे को, आपसे जो हो सका वो मदद करी है। देखिए ऐसे लोगों को हम रिलीफ देना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हम तकलीफ दूर करना चाहते हैं, जिनके पास आज खाने के लिए बर्तन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बुरखा तक पहनने के लिए लोगों के पास नहीं है। लोग ऐसे ही अपने घरों के बाहर जो अपने आम के कपड़ों से भागे, जब तक वो पलट कर वापस आए पानी जाने के बाद, उनका पूरा घर तितर बितर, उनके घर का कोई सामान जगह पे नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनका कोई, जैसे कि उनके पास कोई जमाबंदी भी नहीं थी, चलो भी उनके पास कुछ पैसा है वो लोग अपना फिर से घर संसार बसा सकते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जमाबंदी नहीं है, जो था बस उसी में खाना उसी में रहना, रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, छोटे मासूम बच्चे वाली औरत है। तो ऊपर से बिचारी तो देखिए आप बेवा ही है, इनका शौहर नहीं है, सिर्फ 4 ही महीने हुआ इनके शौहर के इंतकाल के, विद्यत के 3 महीने गुजरे थे, पर 1 महीने में भी ये हादसा उनके साथ पेश आ गया। तो सोचिए आप ऐसे लोगों का क्या भरोसा है, ऐसे बच्चों का कौन निगेबान है, ऐसे यतीम बच्चों के सर पर कौन हाथ रखेगा। तो हम सबका फर्ज बनता है कि ऐसे यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखे, उनके घर को एक नई दिशा दे, उनकी जिंदगी को एक हम नई रास्ता दिखाए, और उनकी जिंदगी में हम जो भी अपनी तरफ से रिलीफ देना चाहते हैं दे सकते हैं। बस देखिए ऐसे कई घर ऐसे यहाँ पर डूबे हुए हैं, कई ऐसे घरों के हालात खराब हैं, बाहर है देखो, यहाँ तक कि जो औरतें आपको नजर आ रही मेरे सामने, इन लोगों के घरों में कुछ सामान नहीं है, इन लोगों के घर में कोई चीज नहीं है, एकदम से पूरा का पूरा बारिश जो हुई है, जिस तरीके से पानी का जो तूफान आया, पूरे के पूरी जिंदगी इन लोगों की खराब हो चुकी है, पूरे की जिंदगी घर तबाह हो गए इनके। आज इनके घरों में से जब ये औरतें बाहर निकली बिना बुरखों के बाहर भागी है अपने बच्चों को लेके, ना ही इनके पैर में चप्पल थी, ना आंख पर इनके बुरखा था, सोचिए वो आलम क्या था होगा, वो मंजर कैसा था होगा जब इनके सरों तक पानी आ चुका था, कंधों तक इनके पानी आ चुका था, बच्चों को सरों पर उठा के लोग जा रहे थे। तो ऐसे लोगों को हम बस रिलीफ देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मदद देना चाहते हैं। तो एक एक घर के लिए हम जो 10,000 का जो आइटम दे रहे हैं, जिसमें हम इनको जो रोज की जरूरत का सामान, ऐसा नहीं है कि हम उनको ऐशो आराम का सामान नहीं दे रहे हैं मेरे भाई, एक 10,000 में उन लोगों के लिए सोचिए आप आता भी क्या होगा, 10,000 में उनके सिलेंडर आएगा, चूल्हा आएगा, साथ में कुछ खाने पीने के बर्तन आएंगे, भगोने आएंगे, कुकर आएगा, चटाई रहेगी बिछाने के लिए, गद्दा रहेगा, उनके तख्त पलंग जो भी रहेगा उस पर डाल के बिछाने के लिए, एक बेडशीट देंगे, साथ में ब्लैंकेट देंगे उनको, और 1 महीने का राशन देंगे हम, एक चावल का थैला, तेल वगैरह इस तरीके का उनको राशन का पैकेज देंगे। तो बस हम यही चाहते हैं कि एक एक घर को हम 10,000 रुपए की मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग ऐसे लोगों के लिए हक के लिए थोड़ा आगे बढ़े, जितना हो सके आप लोग ताउन करें, क्योंकि ये तमाम लोगों के, तमाम मुसलमानों का फर्ज है ये कि आज हमारे जितने भी बहनों के घर बर्बाद हुए हैं, जितनों के भी घर उजड़े हैं, इन्हें हम एक राहत दें, इनकी जिंदगी शुरुआत करने की हम कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।